Hey guys, it is 1:03 in the afternoon. 6 मिनट हो चुके हैं, गाड़ी को मैंने कोल्ड स्टार्ट किया है और आज बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए. वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, दिस इज विकी फ्रॉम विकी व्लॉग्स. एंड आज का जो ट्रिप है मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे मैंने ट्रिप्स किए हैं इस चैनल पे, मैंने डाले भी है, बट वो सारे पर्सनल ट्रिप्स थे. बट आज की जो ट्रिप है वो मेरी ऑफिशियल ट्रिप है, मेरे बिजनेस के रिलेटेड ट्रिप है. और जैसे कि आपने टाइटल में हो सकता है पढ़ा हो, मुझे नहीं पता कि मैं वो टाइटल क्या रखने वाला हूँ फिलहाल के लिए. मुंबई से हम जा रहे हैं उत्तराखंड. ओके, मुंबई महाराष्ट्र कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ दी यू नो कंट्री. और हम जा रहे हैं देवभूमि, तकरीबन 1600 किलोमीटर की तरफ. तारीख है 5 सितंबर, वेनसडे का दिन है. 1:04 हो रहा है और पूरी तैयारी जो है मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में. बने रहिएगा, देखते हैं इस वीडियो को पूरा हम कवर करने वाले हैं या पार्ट्स में डालने वाले हैं, आपको ये पता चलेगा. ओके गाइज, तो जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी मैं ड्राइव पे निकलता हूँ तो प्रॉपर रिपोर्ट बना के निकलता हूँ कि कितना डीजल है, कितने टोल है, ये सारी चीज़ आप शायद स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो हम निकल रहे हैं इस वक्त मुंबई से, हम मतलब मैं और मेरी वेंटो, और जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं अपनी वेंटो को वॉल्वो बुलाता हूँ. तो आज की जर्नी है मुंबई से लेके भीमताल उत्तराखंड, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है. तकरीबन 1611 किलोमीटर है यहाँ से, मुंबई से मेरे घर से. टोटल हमें लगने वाले हैं 70 से लेके 72 लीटर ऑफ डीजल लगने वाला है. 50 लीटर हमने डीजल का ऑलरेडी ले लिया है गाड़ी में. और टोल जो दिखा रहा था ऑनलाइन गूगल मैप पे और टोल के साइट पे, तकरीबन 2,552 रुपये का टोल लगने वाला है. मैंने हालांकि 2400 रुपये का रिचार्ज करके रखा हुआ है. हम जाने वाले हैं नासिक होते हुए, आगे हम झांसी कनेक्ट करेंगे और झांसी से बरेली होते हुए हम निकलेंगे उत्तराखंड की तरफ. और एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा आज का प्लान है 2 बजे निकलने का. 1:13 अब फिलहाल हो रहे हैं, जब वीडियो स्टार्ट किया था 1:03 थे. तो प्लान ये है कि हम पहले पहुंचेंगे नासिक कल सवेरे 8 बजे के आसपास, झांसी पहुँचेंगे कल सवेरे. और झांसी पहुँच के जो है हम वहाँ पर हो सकता है कि एक छोटा ब्रेक ले ले. झांसी यहाँ से है 1,035 किलोमीटर. मैंने अब तक की सबसे लंबी राइड की थी वेंटो में, विजयवाड़ा गया था, वो एग्जैक्ट 1,000 किलोमीटर थे और तब मैंने रेस्ट लिया था, फिर आगे मेरा काम था, मैं गया था. तो यही प्लान है, 1,000 किलोमीटर के बाद हो सकता है रेस्ट ले लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे और 600 किलोमीटर जाने होंगे. और जो भी अपडेट होगा मैं आपको देते रहूँगा. फिलहाल प्रॉपर तैयारी हो चुकी है, सारी चीज़ें हैं, गार्लैंड लगाना है, फिर वो सारी बातें हैं. आप बने रहिएगा इस ब्लॉग में, देखते हैं कैसे मैं आगे शूट करता हूँ. और गाइस, शायद मैंने बताया नहीं, रास्ते में हमें 27 टोल लगने वाले हैं. ये है फिलहाल व्हीकल की स्टैट्स, मैं आपको बता रहा हूँ. करंट रेंज दिख रही है 710, जो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है जैसे ही हम हाईवे पे पहुँचेंगे. ट्रिप जब से मैंने फुल किया था 50 लीटर, तब से 11 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है. ये है स्पीड लिमिट, 110 पे सेट की है. हालाँकि 80-90 के बीच में हम क्रूज़ करेंगे. करंट टेम्परेचर हो रहा है 30.5 मुंबई का. इंजन कोल्ड स्टार्ट करके 24 मिनट बीत चुके हैं. और ये है बात, और सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट जो है दिखती जाएगी. एक रिपोर्ट में और मेंटेन करता हूँ कि हर 100 किलोमीटर पे ओडोमीटर क्या था, कितने बजे मैंने वो 100 किलोमीटर पूरे किए, कहाँ से कहाँ के बीच में, और उस 100 किलोमीटर में कितना मुझे माइलेज मिला, और जहाँ जहाँ पहुँचूँगा वहाँ का टेम्परेचर भी नोट किया जाएगा. तो गाइज़ आप देख सकते हैं फाइनली हम स्टार्ट कर चुके हैं पवई मुंबई से. एंड हमारा जो टोल लगने वाला है फिलहाल, पहला लगेगा मुलुंड पे, मुलुंड एक्सप्रेस हाईवे पे. उसके बाद हमें लगेगा अर्जुन अली टोल भिवंडी के आगे. उसके बाद सीधा इगतपुरी. एंड उसके बाद हम एंटर कर चुकेंगे नासिक. कि आपने देखा कि मैंने अपनी गाड़ी पे हार लगाया है, और हार जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं जानते हैं कि मैं हमेशा ही लगाता हूँ. नॉट दैट कि आज दशहरा है,
हर बड़ी ट्रिप के लिए जहाँ पे मैं बॉम्बे के बाहर जाता हूँ या छोटी ट्रिप के लिए जहाँ पे मुझे बॉम्बे के बाहर जाना होता है, मैं हार हमेशा लगाता हूँ। तो कल मैं वापस गया था भैया के पास जहाँ से मैं अक्सर हार लेता हूँ, और उन्होंने बोल दिया प्राइस 100 रुपीज़, जबकि वो मिलता है हमेशा देते हैं मुझे 80 रुपीज़ में। तो मेरा जो मतलब ईगो है इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ही है, तो मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं चाहिए, मतलब आई डेंट फील राइट टू गिव 20 रुपीज़ अननेसेसरी एक्स्ट्रा। तो मैं घर पे आया, मैंने बहन को बताया कि यार मैंने नहीं लिया और मैं नहीं लूँगा, 20 रुपये ज़्यादा मांग रहा है भाई, आई विल पे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अर्न 1 रुपी। तो आप अभी आप बोलोगे वो भी मेहनत है, तो मेहनत का फल जो है 80 रुपये का हो रहा है हमेशा लेता है, जस्ट बिकॉज दशहरा है। तो आई डेंट टेक, तो फिर मेरी बहन की वजह से मैंने लिया, क्योंकि उसने मुझे कन्विंस किया, बहुत सारी चीज़ें बोली उसने। पहली चीज़ उसने बोली कि विक्की याद है मम्मी हमेशा हर दशहरा के टाइम पे हार लेती थी एक्वा के लिए, एक्वा मतलब मेरी बाइक जिसे मैं अपनी बाइक भी बुलाता हूँ, सो डोंट डू इट, ले लो हार ले लो। फिर भी मैं कन्विंस नहीं हुआ। तो दूसरी बात उसने बोली कि देख तू जाएगा, बाकी लोगों को गाड़ी देखेगी कि बाकियों को हार पहना है उनके मालिक ने और मुझे नहीं पहना है, मेरे मालिक ने हमेशा पहना था हार, ऐसा क्यों किया, बुरा मान जाएगी। मैंने बोला ओके इनफ, आई एम कन्विंस्ड। तो फिर जाके मैंने लिया, एंड शी वॉज लाइक यार 20 रुपये मेरे से ले लेना एक्स्ट्रा, बट हार लगा ले, फर्स्ट टाइम जा रहा है, वो भी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, एंड इतनी दूर जा रहा है, उत्तराखंड जा रहा है, इस बार नहीं लगाएगा, इट विल बी लुकिंग ऑकवर्ड। तो वो बात है। और गाइस मैंने वाइपर्स भी लिए हैं साथ में, एक्स्ट्रा वाइपर कैरी कर रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में रेन एक्सपेक्टेड है, सो दैट इज अ थिंग। सो गाइस दिस इज द नेशनल हाईवे फ्रॉम मुंबई डायरेक्टली टुवर्ड्स आगरा, दिस इज द ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इट इज नोन एज ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एज लॉन्ग एज इट इज इन मुंबई एंड थाने, आफ्टर थाने इट बिकम्स मुंबई नासिक एक्सप्रेस वे, बट देन इट इज एक्चुअली मुंबई आगरा हाईवे। So if we continue going straight on this highway without taking any left or right, then we will reach Agra. So I have this choice that I can go to Agra, and from Agra we'll take a right towards Gwalior, but then I'm not doing that. I would be going towards Nasik, then Indore, after Indore Guna, and from Guna we'll take a right towards Jhansi. Jhansi then Bareilly, and from there we will, you know, continue our journey. और ये पहला टोल मुलुंड 146 in the afternoon, यहाँ तक का माइलेज is 30.5 and trip is 22.7. प्लान था सवेरे 2 बजे निकलने का, बट नहीं निकल पाया क्योंकि बहुत सारे काम थे दिन में, थकान हो गई थी, और मुझे पता है 1000 किलोमीटर राइड करनी है, तो इस फटीक के साथ तो मैं नहीं निकल सकता, सो दैट वाज द रीज़न। थाने एंटर कर चुके हैं, तो मोबाइल में रिकॉर्ड करने की सुविधा भी है और थोड़ी सी दिक्कत भी है। मोबाइल जैसे कि मैंने विंडस्क्रीन पे लगाया हुआ है होल्डर पे, तो मुझे बार बार ना ऐसे हाथ लेके जाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, बट GoPro वगैरह होता तो क्या है कि मैं बोल सकता हूँ ना GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग समथिंग लाइक दैट, सो वो है बात। तो थोड़ा सा कर रहे हैं कंटेंट, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपने एनकरेज किया तो वो भी ले लेंगे। और गाइज मैंने एक्चुअली वीडियो ऑन किया था ये बताने के लिए कि फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड, ये तो मैंने आपको बताया ही, बट रास्ते में जितने भी स्टेट्स लगने वाले हैं, जो होगा अभी तो हम महाराष्ट्र में है, होम स्टेट है, उसके बाद लगने वाला है मध्य प्रदेश, वो भी मेरा फर्स्ट टाइम है मध्य प्रदेश, बहुत मैंने मतलब बचपन से उत्सुक था मध्य प्रदेश देखने के लिए, फिर उत्तर प्रदेश भी मुझे देखना था, और जितने भी ये सारे नाम मैंने देखे अभी गूगल मैप्स में ना, बचपन से मैं वो सारी सिटीज़ को जानता था, अब तो खैर यूट्यूब है गूगल मैप्स है तो लोगों को है ना पता चल जाता है कि ये सारे शहर होते हैं, बट कुछ शहर है जो लोगों को शायद अभी भी ना पता हो, बट मुझे पता थे। क्यों पता थे? क्योंकि मेरे पापा के पास, पापा की आदत थी रेलवे की, वो बुक लाते थे, वो
पूरा जिसमें टाइम टेबल शेड्यूल ट्रेन वगैरह कहाँ से कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, तो वो सब मैं पढ़ते रहता था। ट्रेन नंबर भी मैंने बायहार्ट कर लिए थे बचपन में और मुझे पता था कि अच्छा मुंबई के बाद ऐसा ऐसा रूट है ट्रेन का, इंदौर गुना झांसी इटावा ये सारे जो भी मतलब स्टेशन है वो मुझे पहले से बायहार्ट थे और मैं मैप पे देखता था, पॉलिटिकल मैप हुआ करता था पप्पा के पास, उस पर देखता था ढूंढता था कहाँ कहाँ है ये शहर। हाईवे पर मैं बहुत दफ़ा आया था स्टार्टिंग से जब ये यहाँ बना था नया था, और तब में और आज में बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है गाइस। पहले तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ट्रैफिक भी बहुत कम हुआ करता था। मेरी एक आदत है जब तक मैं कहीं भी ड्राइव पे निकला हूँ या बाइक पे निकला हूँ राइड पे, तो जब तक अच्छे खासे 50 किलोमीटर नहीं कर लेता तब तक मैं म्यूज़िक ऑन नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द व्हीकल। सब कुछ गाड़ी में सही से काम कर रहा है, कुछ अनवांटेड साउंड आ रही है क्या कहीं से विच साउंड सस्पिशियस, या फिर कोई दिक्कत गाड़ी में आ रही है छोटी मोटी। अगर है तो एक 50 किलोमीटर तक मैंने अपने आप को एक लिमिट तय करके रखी है कि मैं यू टर्न लेके नज़दीकी सर्विस सेंटर में जा सकता हूँ, प्लान को थोड़ा सा हो सके तो कैंसिल या पोस्टपोन कर सकता हूँ। बट 50 किलोमीटर के बाद अगर कोई भी चीज़ आती है बट देन इट इज़ अ V1 फॉर मी। V1 एयरक्राफ्ट में एविएशन में एक टर्म होता है, पायलट जब फ्लाई करते हैं V1 जब लेते हो आप तब उसके बाद आपको टेक ऑफ करना ही है। V1 होता है V2 होता है, उसके बाद ब्रेक नहीं लगा सकते आप रनवे पे, आपको टेक ऑफ करना ही है। तो वही है बात कि 50 किलोमीटर के बाद अगर सारी चीज़ें ठीक है उसके बाद कुछ होता है तो वो जर्नी में ही काउंट करता हूँ मैं, वो जर्नी के दौरान ही चीज़ों को रिजॉल्व करना है, तब यू टर्न नहीं लेना है, देयर इज नो टर्निंग बैक। तो वैसी बात है, और जो भी जर्नी मैं कर रहा हूँ करता हूँ और करते आया हूँ उसकी प्रॉपर प्लानिंग मैं करता हूँ पहले एक्सेल में, टाइमिंग वगैरह वो सारा आपने स्टार्टिंग में शायद देख ही लिया होगा, विदाउट दैट आई डोंट लीव, वो बात है। बाकी तो भगवान मालिक है, उसके आगे तो हम नहीं जा सकते, जैसी भगवान की मर्जी, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि सेफ रहे सुरक्षित रहे दूसरों को भी सुरक्षित रखे। लेफ्ट में गए शायद अगर आपको नाम दिख रहा हो ट्रक के पीछे है वैसे, ये देखिए ये है करिश्मा ढाबा। यहाँ मैं मेरे फ्रेंड शर्मा के साथ बहुत बार आता था, बहुत मतलब ऑलमोस्ट मंथ में एक बार हम लोग इस ढाबे पे आते थे, ये बात है 2009-10-11 की। और अब और तभी इतना मतलब ये सारा ढाबा कल्चर पॉपुलर नहीं था, गिन चुन के ही लोग होते थे दोपहर के वक्त। अब दोपहर में आइए शाम को आइए आपको जो है ढाबे पे कोई ना कोई भीड़ मिलती ही है, ये बात है। और जितने भी ढाबे वाले शौकीन हैं लोग खाना पसंद है जिन्हें ढाबे का, मुंबई की तरफ से अगर आप नासिक रूट पे आते हो तो बस यहीं तक ही है भिवंडी तक, उसके बाद नहीं है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे आगरा 1143 किलोमीटर्स, इंदौर 537, नासिक 122, शाहपुर 26। उत्तराखंड का बोर्ड नहीं है और ना ही जो है झांसी का है जहां पे हम जा रहे हैं। सो गाइस देख सकते हैं दूसरा टोल 2:32 PM, 57 किलोमीटर ऑन द ट्रिप विद अ माइलेज ऑफ 27.8, एंड दिस इज अर्जुन अली टोल। ओके गाइस इट्स 3:11 इन द आफ्टरनून, देखिए कुत्ता भाई क्या कर रहा है। सो 3:11 इन द आफ्टरनून, 99.8 किलोमीटर हमने कर लिया है इस ट्रिप का, और यहाँ तक हमें एवरेज मिला है 26.9, रेंज हमारी दिख रही है 1150। और मैं आपको बता दूँ हाईएस्ट स्पीड जो एवरेज स्पीड जो है वो 51 किलोमीटर पर आवर है, हाईएस्ट स्पीड है 89 किलोमीटर्स, एंड टेम्परेचर हो रहा है 31.5। अभी हम थोड़ी देर में जो है कसारा घाट स्टार्ट करेंगे, ड्राइविंग करते वक्त 1:45 बीत चुका है, थोड़ी देर में कसारा आएगा। तो धूप खिली हुई थी और बीच बीच में जो है ऐसे बादल आ रहे हैं थोड़े थोड़े, मैंने 90s के रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा हूँ, तो एक
नॉस्टैल्जिया टाइप की फीलिंग है और अच्छा लग रहा है. ड्राइव इज गोइंग वेरी वेल सो फार एंड मिलते हैं. अब थोड़ा सा मैं आपको कसारा घाट भी दिखा दूंगा. वैसे लास्ट टाइम मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, बट खैर ये पूरे ट्रिप का मेरा पहला घाट होगा. ऐसे तो और बड़े बड़े घाट अभी उत्तराखंड में मिलने वाले हैं. Guys, finally we reached the third toll, that is in Igatpuri after the Kasara Ghat. Time is 3:46 in the afternoon. Mileage till this toll is 25.2. We have 133.1 meter on the trip, and the temperature, if I were to tell you, temperature is 29.5. Other than this, the range 1090. गाइज नासिक हम पहुंचने वाले हैं तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर में. 4:11 हो रहा है. बॉम्बे से हम लोग निकले थे तकरीबन 1:20 डेढ़ बजे के आसपास. 2.5 से 3 घंटे का वक्त हमें लगा है नासिक पहुंचने के लिए. और हाईवे काफ़ी अच्छा है. कल्याण के बाद खड्डे थोड़े कम हैं लेकिन है. और यहाँ तक अगर मैं माइलेज आपको बताऊँ तो एग्जैक्टली 25.1 मिला है और ट्रिप मीटर पे हुए हैं 158.8. और नासिक में मेरा इरादा है चाय पीने का. मेरे एक मित्र थे, है मतलब वो कहते थे गला गीला करना है, तो वो गला गीला किसी और चीज़ से करते थे. मुझे मेरा गला गीला जो है चाय या कॉफ़ी से करने का बड़ा मन कर रहा है. तो देखते हैं नासिक में अगर हम रुके तो जो है गला गीला कर लेंगे. भूख थोड़ी सी लगी हुई है तो देखते हैं, वो भी है बात. मुंबई नासिक मैंने बहुत बार किया है, बता रहा था आपको. और उसके अलावा बाइक पे मैं मैक्सिमम इस रोड पे, पुराना नंबर जो है नेशनल हाईवे थ्री पे मैं धूले तक गया हूँ. लास्ट मैंने एक प्रोजेक्ट किया था धूले में गवर्नमेंट ITI में, और वहाँ पे मैं बाइक पे गया था. आई थिंक दिसंबर 2017 की बात है. सो देखिए नासिक पहुंच गए हैं. राइट पे आपको दिख रहा होगा होटल. उस होटल का नाम जो है मैं भूल गया, ई से कुछ था, एक्सप्रेस इन, यस. और अब मुझे दिख भी रहा है एक्सप्रेस इन राइट पे. और जैसे एक्सप्रेस इन आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि नासिक एंटर कर चुके हैं आप. और गाइज हम जो है ये कंट्रोल्ड एक्सेस रूट ले रहे हैं नासिक सिटी के बाहर निकलने के लिए. हम नासिक सिटी के बीचों बीच से निकल रहे हैं, परंतु आपको यहाँ पे जो है कोई सिग्नल नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्लाईओवर बनाया है इन्होंने. और अगर आपको नासिक सिटी के अंदर जाना है तो फिर आपको फ्लाईओवर एग्जिट लेना पड़ता है, जैसे कि मुंबई नाका, पंचवटी, अंबड़, न्यू नासिक, सिडको, पवन नगर, ये सारे जो मतलब सिटी है, एरिया है सिटी के, उसके लिए आपको नीचे से जाना है. सो गाइज आ चुके हैं नासिक शहर के बाहर. और फिर भी फिलहाल तो मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है. 4:35 हो रहे हैं. हल्की हल्की थोड़ी सी स्नैक वाली भूख है तो और थोड़ा चलेंगे, देखेंगे यू नो कहाँ अच्छी चाय कॉफ़ी दिख रही है, मिल रही है, वहाँ रोकेंगे. इतना कुछ अर्जेंट नहीं है. और जब से बैठा हूँ गाड़ी में तब से अब तक 186 किलोमीटर हो चुके हैं, कोई भी ब्रेक नहीं लिया गया है, ना सुसु ब्रेक, ना चाय कॉफ़ी ब्रेक, ना कहीं पे हम उतरे. हम माने कि मैं, ये देखिए मैं, हाँ हम माने कि मैं, तो वो बात है. और नासिक शहर में वो जो फ्लाईओवर था ना काफ़ी अच्छा था. विद इन लाइक 10 minutes I was out of the city. There are few good, cities which are planned well. तो वो है 6:30 के पहले कंपलसरी जो है थोड़ा नाश्ता और कॉफ़ी ले लूँगा, क्योंकि उसके बाद जो होगा डिनर ब्रेक होगा, वो भी देखेंगे कहाँ लेंगे. मे
अभी इंदौर या फिर इंदौर के पहले ले लेंगे वो बात है। और थोड़ा सा अभी शहर के बाहर निकले हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर जो है रंबल स्ट्रिप्स कहते हैं ना हाईवे पे, वो तीन वाले होते हैं लगातार, वो बहुत मिल रहे हैं। नासिक शहर के बाहर आकर ये पहला टोल है नासिक और पिंपल गांव के बीच में, तो इसी टोल पे हम पहुंचे हैं 4:45 पर। ट्रिप हो चुकी है 198 हो चुकी है, एंड आपको मैं माइलेज यहां तक बता दूं, इट्स 26.1। रेंज हो चुकी है 1320। सो गाइस, इट्स 200 किलोमीटर अपडेट जो मैं देना भूल गया, अब हो चुके हैं 202.2 किलोमीटर फ्रॉम माय होम ऑन द ट्रिप विद द माइलेज ऑफ 26.1, रेंज इज 1320। यू कैन सी धूले 123, मालेगांव 85, चांदवड 32। तो गाइज, अगर आप नासिक में हो और आपको गुजरात की तरफ जाना है तो ये लेफ्ट आपको लेना है जो जाता है सूरत, सटना, सूरत इस तरफ। मैं मोबाइल घुमा नहीं सकता, आपको तो पता ही है, सोचा आपको लेफ्ट ही बता दूं। दूसरी बात ये कि मैंने ब्रेक जो नहीं लिया है वो अर्जेंट लेना है, क्योंकि मेरा फेस जो है पूरा ऑयली ऑयली हो गया है। ये देखिए पूरा डल लग रहा मुंह, तो एक बार मुंह धोना है। नींद वगैरह कुछ नहीं आई है, और अभी मैं सोच रहा ना कि ब्रेक अब ले लूँगा तो फिर डिनर कितने बजे लूँ, तो वो मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग मेरा जो फर्स्ट ब्रेक ड्यू था एज पर माय शेड्यूल वो था नासिक में फॉर स्नैक। दूसरी बात ये कि मैं अपने आप को स्ट्रेस भी नहीं करना चाहता कि यू नो आई विल गो नॉन स्टॉप एंड ऑल दैट इंदौर तक, नहीं वैसा नहीं करना चाहता। इट्स जस्ट दैट यू शुड टेक ब्रेक्स ऑन टाइम ताकि यू आर वेल हाइड्रेटेड, एनर्जेटिक, फोकस्ड, ये सारी बात है। और दूसरी चीज़ विद रिगार्ड्स टू द क्रूजिंग स्पीड, मैं चलता हूँ 80-90 के बीच में, 100 में जाता ही नहीं कंटिन्यूस ना उसके ऊपर। बिकॉज क्या होता है कि फिर आपको फटीग हो जाता है, द मोर स्पीड यू आर इन यू नो द मोर स्पीड यू हैव यू विल बी मोर फटीग बिकॉज यू विल बी रिक्वायर्ड टू पुट मोर अटेंशन। All right guys, second toll after Nasik, it is 5:15 that we have arrived, trip pe hua hai 231.8 and mileage is 26.3 with current range is showing as 1340. Now the mountain is clearly visible and much closer. And I'll just show you the highway board. Dhule 91, Indore 354, Manmad 24, Shirdi 83. तो गाइज, नासिक के बाद भी एक छोटा सा घाट लगता है, इस घाट पे हम अब एंटर कर रहे हैं नेशनल हाईवे 3 पे टूवर्ड्स आगरा। इस घाट पे मैं आई थिंक चौथी बार आ रहा हूँ पर्सनल व्हीकल में। Okay guys, it's 5:53 in the evening. 6:30 के पहले तो मुझे ब्रेक लेना था, मैं कब से आपको बोल ही रहा था, बट सडनली मुझे क्लिक हुआ कि मैंने थंबनेल के लिए कोई फोटो लिया ही नहीं है, और अगर मैं ना लूँ तो मेरी बहन मुझे कच्चा चबा जाएगी। क्योंकि हर बार मैं क्या करता हूँ, वीडियो में से कोई ना कोई क्लिप उठा के स्क्रीनशॉट लगा के उसको थंबनेल बना देता हूँ। ओके गाइस, 6:06, 285.3 किलोमीटर्स so far with a mileage of 26.5, 1290 is the range and temperature here is 28.5. पहुँचे हैं किसी होटल में मालेगांव के बाद, फूड विलेज फैमिली रेस्टोरेंट, यही अभी ढंग का मिल रहा है।
तो यहीं खा लेंगे, वैसे भी मैं नॉन वेज ही खाता हूँ, सो यहाँ खा लेते हैं गाइस। गाइस चिकन मसाला मंगाया गया है चपाती के साथ में, और इसके साथ मैंने कॉफ़ी भी ली है। अब इसे ख़त्म करते हैं, गाड़ी को अच्छे से साफ करेंगे और फिर निकलेंगे। भैया को मैंने पूछा थम्सअप है क्या, उन्होंने ये रेकमेंड किया है मोहितो, कहा है कि ये हिला के पिया जाए ताकि वो मिक्स हो जाए। खाना चल रहा है, ये तीसरी रोटी मैंने मंगाई थी, चिकन ख़त्म कर दिया है, अब ग्रेवी के साथ इसे निपटाएंगे और फिर पीते हैं मोहितो। ओके गाइस, तो ये है फूड विलेज, यहाँ मैं आया था और अब बज रहे हैं 6:50, 7:10 है बाकी। अब मैं क्या करूँगा, अपनी गाड़ी साफ़ कर दूँगा, ग्लासेस सारे साफ़ कर दूँगा, इसके बाद एक छोटा सा चाय ब्रेक कहीं और ले लूँगा मैं, एंड मे बी इंदौर आफ्टर दिस वुड बी अ प्लेस वेयर आई टेक अ ब्रेक। अब ये साफ़ करते हैं, आपको स्टार्ट दिखा देता हूँ, एंड या लेट मी जस्ट क्लीन इट वंस। और आप देख सकते हैं मैं न्यूज़पेपर कैरी कर रहा हूँ ताकि क्लीनिंग अच्छी से हो जाए। ये मेरे पापा की हैंडराइटिंग है, हैंडराइटिंग है, तो कोई और पेपर यूज़ कर लेंगे, ग्लास साफ कर लेंगे। तो ये है न्यूज़पेपर, क्लीनिंग हो रही है ताकि अब जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुकी है, तो क्लीनिंग होती रहे। तो आप देख सकते हैं ग्लास पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। यहाँ हमने खाना खाया था फूड विलेज, एंड यहाँ तक के स्टार्ट्स में बता दूँ 7 है डिनर करने के बाद, 26.5 का माइलेज मिला है यहाँ तक, रेंज हुई है 1290 एंड 274 किलोमीटर हम आए हैं ट्रिप पे, 285 है जब से हमने डीजल फिल किया था, एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ का टेम्परेचर है 28.5। सो गाइज इस वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं, और मैं तो अभी ड्राइव करूंगा, वो सेकंड ब्लॉग में आप देख सकते हैं कंटिन्यूएशन, वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको मैं यहीं तक खत्म कर रहा हूं। सो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड पहली बार अगर इस चैनल पर है आप तो सारे वीडियोज देखना ना भूले। टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।